देखिए, 22 दिसंबर को जो हमने डिपकॉम ऑफिस का घेराव किया था, तो डिपकॉम साहब ने हमें एक महीना मांगा था। जी एक महीना 22 जनवरी को होता, लेकिन इसके बीच नेशनल फेस्टिवल जो रिपब्लिक डे होता है वो 26 जनवरी है, तो हमने इसलिए 2 दिन के बाद 28 जनवरी तक, 28 जनवरी को हम एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और 26 जनवरी हमारी लास्ट डेट है एडमिनिस्ट्रेशन को, डिपकॉम साहब को, कि जी हमारे हक में जो SRO होल्ड किए हैं, SRO 64 के तहत जो 7,000 वाली सेक्टर में पड़ी है, और जो फाइनेंस डिवीजन या सब डिवीजन चीफ इंजीनियर ऑफिस पड़ी है, उनको रेगुलर प्रोसेस में लाया जाए, इतना बड़ा लिंगर ऑन ना किया जाए। करीब 7 महीने हमें हो गए, आज 207 दिन हो गए हमें, जी और आप शिवम जी डे फर्स्ट से हमारा प्रोग्राम कवर कर रहे हो। 22 जून को कितनी गर्मी थी, हमारे पास बैठने को दरी नहीं थी, और ऊपर सिर पे शमियाना नहीं था, टेंट बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल तो आज शीतलहर है, लेकिन हम लोग तब भी डटे हैं, और डिपकॉम साहब के आश्वासन पे जो 17 अक्टूबर को उन्होंने दिया था कि आपके लिए हम अच्छा करने जा रहे हैं, हम आप हमें थोड़ा टाइम दीजिए, तो जी आज उस बात को 2 ढाई महीने हो गए हैं, और हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की उस चीज पे कि एडमिनिस्ट्रेशन लास्ट क्या कहती है, कल हमें अगर 28 जनवरी को कोई बात होती है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है, तो कोई भी ऑफिसर हमें ये नहीं कह सकता हमने उनको टाइम नहीं दिया, जी चाहे वो चीफ इंजीनियर हो, डीसी जम्मू हो, कमिश्नर म्यूनसिपैलिटी हो, जितने भी ऑफिसरों से हमारी बात हुई, या पहले हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी परमार साहब, नए तो मिलते नहीं है, तो नए ने अभी तक हमारे ना मिलने के लिए बुलाया, ना उन्होंने कोई बात की है, वो थ्रू चीफ इंजीनियर जो बात करते करते हैं। लेकिन अफसोस की बात शिवम जी है कि जितने त्यौहार है इन 7 महीनों में, उन 7 महीनों में हमें त्योहारों पे वेजेस नहीं दी गई, जान के जैसे किसी को तंग किया जाता है। दीपावली ऐसे निकली, करवा चौथ ऐसे निकला, ईद निकली, क्रिसमस निकली, 5 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी का बर्थडे था, वो भी ऐसे निकल के हमारी जेब में पैसे नहीं थे, और 13 तारीख को जो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा त्योहार लोहड़ी होता है, वो जी भी हमारे साथियों, जम्मू कश्मीर का जो डेली वेजर है PHE का, जी उसको फंड अलॉट नहीं किए गए। ये कितनी शर्म की बात, कितनी शेम की बात है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो ये कहती है कि हमारे दरवाजे खुले हैं, हमारे दिल खुले हैं, राजभवन के दरवाजे खुले हैं, किसके लिए खुले हैं, बड़े बड़े राजेंद्र लोगों के लिए, हमारे लिए तो नहीं खुले, 7 महीने से हम जी, यही वेट कर रहे हैं। राजेंद्र जी अभी हाल ही में रविंदर रैना और पूरी टीम इनकी जो है 25 विधायक जो जीते हुए थे वो दिल्ली गए थे। दिल्ली में इनकी गृह मंत्री से भी बात हुई, अमित शाह जी से मीटिंग में इन्होंने आपका मुद्दा उठाया। इन्होंने कहा कि डेली वेजेस जो है वो एक दमखम रखते हैं, जीत और हार का फासला बन सकते हैं, तो हमें इन मुद्दों को सुलझाना पड़ेगा। LG के पास हम कई बार गए, लेकिन LG महोदय जो है इस बात पर जो है वो रोशनी नहीं डाल रहे हैं। उन्होंने जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी की रिपोर्ट जो थी वो भी उन्होंने उनको दिखाई, लेकिन आगे से ये आंसर आता है कि सरकार वहां पर LG चला रहे हैं और हमें भरोसा है कि LG इन मुद्दों को हल करेंगे। कैसे देखते हैं? देखिए शुभम जी, मीटिंग में आप जो सुना रहे हैं मैं उसी पे कमेंट करूँ, हमने तो ऐसी कोई बात सुनी नहीं, ना कि BJP ने इस जो टीम वहां गई थी उसने पर्टिकुलर इस मुद्दे पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, जी लेकिन जो आप कह रहे हैं मैं उस पर कमेंट करूँगा। अगर अमित शाह जी ने ये कहा तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारी जम्मू कश्मीर UT की BJP की टीम हो, या 2 MP हो, या इतने DDC इनके हैं, सरपंच पंच इनके हैं, अगर ये अपना आप कन्विंस वहां नहीं कर सके, हमारा मुद्दा नहीं रख सके, तो लेह लद्दाख का 1 MP है वो अपने लिए सब कुछ ले गए, क्या चीज नहीं जो जो वो अपने लिए नहीं ले गए, और वहां के जो LG माथुर साहब हैं उन्होंने वहां को दो एम्प्लॉयज को 2 कैटेगरी बनाई, स्किल्ड अनस्किल्ड करके, उनको दिहाड़ी भी बढ़ा दी UT बनाने के बाद, जी तो यहाँ पे क्या परेशानी है, क्या कमी है, ये अमित शाह जी को देखना चाहिए कि 2 UT एक स्टेट को काट के 2 UT बनाई, जी और दोनों यूटीओ में डिफरेंस कितना है, वहां पे रेगुलर प्रोसेस भी आने वाले दिनों में स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे 2 माननीय MP हैं, एक उनमें से PMO में 8.5.5 साल से मंत्री हैं, जी कितने हमारे लिए शर्म की बात है, जो गर्व होना चाहिए शर्म की बात है, वो हमारा मुद्दा आज तक वहां सुलझा नहीं सके। कल मैं किसी चैनल पे था तो BJP के नेता ये कह रहे हैं कि हमारे पास पावर नहीं, मैंने कहा पंच सरपंच DDC VDC और MP आपके मंत्री आपके हैं, तो आपके तो डायरेक्ट हमारे पास और कैसी पावर होती है, तो कहते नहीं नहीं हम यहाँ पे LG रूल है, तो मैंने कहा LG रूल है तो फिर आप बताओ, जब SRO 230,000 लोगों के किस्म का फैसला करना, वो दिल्ली से ट्वीट कैसे हुआ जी, कैसे हुआ, डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने ट्वीट किया एक दिन पहले, जी अगर कोई बड़ी बात होती, अगर महाराजा जी की छुट्टी हुई तो वहां तमाम BJP के बड़े लीडर कैसे पहुंच गए, वो किसने बुलाए, LG साहब इनको स्पेस देते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे मुद्दे को जान के घुमाया जा रहा है, गरीब लोगों को तंग किया जा रहा है,
अगर बताइए शुभम जी, जो लोग जी इस समय को रिटायर हो गए, उनके उनको क्या हम जवाब दें? जो 30-35 साल जहाँ देंगे, जो जिनकी डेथें हो गई, उनके परिवार को क्या जवाब दें? क्या मुंह दिखाए हम तो इंसान है, अगर इनको नहीं समझ आती, ये कहते हम कोशिश कर रहे हैं, वो कौन सी कोशिश है, वो कौन सा तरीका? अगर एलजी साहब ने 11 नवंबर 2020 को रविंदर राणा जी के सामने, माननीय हमारे जम्मू पूंछ के लोकसभा के एमपी साहब, उनके सामने ये कहा कि डीडीसी इलेक्शन के बाद आपका रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और रविंदर राणा जी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि टेलीविजन का मसला हल हो गया, एलजी साहब ने कह दिया डीडीसी इलेक्शन के बाद उनका मसला हल हो जाएगा, तो वो कहाँ है वो वादा? उसके बाद 10 सितंबर को एलजी साहब ने निजी चैनल में ये कहा था कि जो लोग धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं उनकी मांगे जायज है, मैं इस माह के अंत तक उनका कुछ ना कुछ फैसला हो जाए। सितंबर भी खत्म हो गया, अक्टूबर भी, नवंबर, दिसंबर, अब जनवरी है, आप बताओ हम कहाँ जाएं, किसकी बात में रुकें? राजेंद्र जी, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, रविंदर रैना क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष हैं, यूटी की अगर बात करें तो उनको जो साफ तौर पर ये पता है कि डेली वेजर्स एक बारी तादाद पे है, इनका मसला, इनका मुद्दा हल नहीं हुआ तो हमें लेने के देने पड़ सकते हैं। अब हालांकि भारतीय जनता पार्टी को ये ऑर्डर हो चुका है कि जम्मू संभाग के अंदर पूरा फोकस किया जाए, घाटी को छोड़ दें, जम्मू में संभाग में आप पूरा फोकस करें, केंद्रित रहें और अपनी जमीन को मजबूत करें, क्योंकि अब चुनाव जो है 5 से 6 महीने में जम्मू कश्मीर में कभी भी हो सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष रविंद्र रैना को? देखिए, मैं पॉलिटिकल कमेंट तो करूंगा नहीं, लेकिन मैंने पेपर में पढ़ा था कि बीएल संतोष जी ने ये कहा, जो इनके ऑल ओवर इंडिया के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के जी, कि एक भी वोट बाहर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन हम इस मुद्दे को, मैं अपने आप से कहूँ, हमारा जो कैजुअल डेली वेजर का है, हम इसको इलेक्शन से जुड़ने देने वाले नहीं है जी, क्योंकि हमारे साथ 2002 से लेके यही ड्रामा होता रहा जी, लेकिन इस बार हम नहीं बता सकते, क्योंकि 2014 में इन्होंने यही कहा था तो सब लोग इनकी तरफ ट्विस्ट हो गए कि आप हमें एक बार सत्ता में लाइए जम्मू कश्मीर में, हम यहाँ कभी नहीं आए, हम आपका मसला हल करेंगे। 8.5 साल के बाद भी अगर ये कहें कि हमारे एलजी साहब सुनते नहीं है, हमारा वो ऑफिसर नहीं सुनता, तो इससे बड़ी शर्म की क्या बात है? क्या गारंटी है कल इनकी सरकार आएगी? क्या गारंटी है ये इनकी सरकार ही आएगी जी? दूसरी पार्टियां कोई बुरी नहीं होती, उनके लीडर बुरे होते हैं, लेकिन क्या गारंटी है इनकी सरकार आएगी? अगर इनकी सरकार नहीं है, फिर हम 5 साल फिर वेट करेंगे जी? इसका मतलब दिल्ली से ये अमित शाह जी से कुछ नहीं करवा सकते जी, फिर सीधा हमारे से प्रोटेस्ट पे बैठे आए ग्राउंड पे? बिल्कुल, ये नहीं चलेगा ना। अगर आप रूलिंग में रहोगे, आप अपोजिशन का रोल ही प्ले करोगे, दोनों रोल तो चलेंगे नहीं। और मेरा एक साथी है हमारे फ्रंट में, वो कहता है 37,000 वोट से शायद ये हिमाचल की इलेक्शन हारे बीजेपी वाले। मैं पॉलिटिकल कमेंट करता नहीं, आपने पूछा तो मैं ये बता रहा हूँ, हमारे लिए ना कोई पार्टी अच्छी ना कोई पार्टी बुरी, जो हमारे लिए अच्छा करेगी वो अच्छी होगी, सीधी स्पष्ट बात है। लेकिन अफसोस ये बात आता है कि हम 207 दिन से बैठे हुए हैं और 207 दिनों में इनको ये दिखा नहीं, दिल्ली वालों को दिखा नहीं, जम्मू कश्मीर बीजेपी अगर जम्मू में छोटी से इंसिडेंट हो जाता था तो ये सड़कों पे आते थे, आज कहाँ पे हैं? तो ये चीजें लोग पूछेंगे, लेकिन हम ये अपने मुद्दे को, मैं दोबारा दोहराऊं, हम इसको इलेक्शन से जुड़ने देने वाले, हम यूटी यूटी में यूटी के टाइम ही एलजी साहब के टाइम ही इसको हल कराने की कोशिश करेंगे। पीएचई यूनाइटेड फ्रंट की बात करें, आप मेंबर हैं उसके, लगातार अपने साथियों के साथ बीच में रहते हैं, प्रोटेस्ट के पहले दिन से लेकर अब तक उनके साथ हैं, लेकिन 200 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, लगता तो नहीं कि मनोबल टूट रहा है, हौसला जो है वो टूट रहा है, अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने साथियों को यही कहूंगा कि लंबा संघर्ष थकाता जरूर है और वो बाहर से खूबसूरत और अंदर से मजबूत बनाता है। हमारे साथी सबके सब मजबूत हैं, क्योंकि डेली वेज कैरी लेवल की जिल्लत जो बेइज्जती हम बर्दाश्त करते हैं, उससे बड़ी ये अजीब बड़ी कोई चीज नहीं होती। हमारा इसलिए जुनून है हमें कि हमने इस बार फैसला करवा के रहना है, सरकार नहीं फैसला करेगी तो हम सरकार को सीधा ये कहते हैं, आपकी हिम्मत हमें सबको बाहर निकालो, हमारा पेंडिंग दे दो जो पीछे 72 महीने का और 20-25 साल का जो पीएफ बनता वो दे दो, हम कोई और काम करें, सरकार के ऑफिसर जाए, बीजेपी के लोग आए, स्टेशन लोगों को पानी साफ पिलाएं, वो पता लगेगा कोविड में ये सब लोग घर में छुपे थे, कहाँ थे ये लोग तब जी, ये तमाम लीडर तमाम ब्यूरोक्रेट कहाँ थे, सब लोग घरों में छुपे थे, लेकिन पीएचई का डेली वेजर गली गली घर घर, जहाँ कोविड के पेशेंट थे हमारे टैंकर के भाई वहां अंदर जाकर पानी डाल रहे थे जी, हमारी जान नहीं है इन लोगों की जान, आज हमें कानून दिखाएंगे, आज ये हमें कहें बजट का चक्कर, जब ऐसे 202 को प्रवोक करना था वो 30,000 लोग हैं, वो उनको 30,000 को 1-2 में कर दिया, उनको अभी बेसिक मिलती थी, अच्छी बात है, मुबारक उन लोगों को, लेकिन हमारे लोगों का क्या कसूर है जी? हमें क्या, हम इंसान नहीं है क्या? ये ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं है जी? हम यही कहना चाहते हैं।